दोस्तों हम लोग जा रहे हैं गोविंदपुर। दोस्तों आप लोग को दिख रहा होगा एक कदम फूल है, हम थोड़ा सामने से दिखाते हैं आप लोग को, दिख रहा होगा इतने सारे हैं। दोस्तों हम लोग उधर राखी डेयरी की तरफ जा रहे हैं, उधर है, उधर दिखाओ जा रहा है, तो हम लोग उधर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इधर अभी हम लोग पता नहीं किधर है, पर अभी उधर जा रहे हैं। दोस्तों उधर किधर पता नहीं चला, शायद आगे होगा, पर आप इधर देख सकते हैं ट्रेन तो लगा हुआ है। और अभी हम लोग उधर जो है ना, क्या बोलते हैं इसको, पार होंगे हम लोग इसके पुल से। तो चलिए आपको इधर का भी नज़ारा दिखाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम लोग हटिया स्टेशन पहुंच गए हैं, तो चलिए आपको एक बार इधर का भी नज़ारा दिखा देते हैं। ये हटिया स्टेशन है, आप देख सकते हैं, तो इधर एक बार घुमा ही देते हैं आपको, पीछे का भी दिख जाएगा, दिख रहा होगा यहाँ पे। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं गोविंदपुर, हम लोग दो टिकट ले लिए हैं। तो दोस्तों हम लोग अंदर आ चुके हैं स्टेशन के अंदर, अब ऊपर जाते हैं, उसके बाद नीचे भी चलते हैं। दोस्तों ट्रेन निकल चुकी है, आप देख सकते हैं ट्रेन जा रही है। खबर डालिए पहुंच गए। हाँ ये देख रहे हैं, पहुंच गए, ये रहा। दोस्तों चलिए अब हम लोग उतरते हैं, कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग देख रहे थे, तो चलिए दरवाज़ा खोले जा रहे हैं। ट्रेन अभी रुकी नहीं है, आप देख सकते हैं ट्रेन जा ही रही है, और हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। गोविंदपुर स्टेशन है रांची का, देखिए रुकने ही वाला है, मैं वीडियो बना तो रहा हूँ, शायद रुक गई हाँ रुक गई, चलिए करते हैं। दोस्तों ट्रेन रुक ही गई है, तो एक तरफ दिखाई देते हैं आपको, कभी आप आइएगा तो देखिएगा कि कभी गोविंदपुर स्टेशन ऐसा था। दोस्तों हम लोग गाँव में है, हमारा दादी है, दादी सास। किसन है? किसन है? दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा किचन है, और यहाँ मेरी सास आग लगा दी है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ खेतों में हूँ, सब तरफ हरियाली है, ऐसे तो इधर ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, नहीं तो आप लोगों को काफ़ी कुछ देखने को मिलता। आप इधर देख सकते हैं, क्या बोलते हैं, बकरी लोग चर रहे हैं, और हम लोग जा रहे हैं पानी लाने। सामने आपको वहाँ दिख रहा होगा, ऐसा वो कुआँ नहीं है, वो छुआ है। गाय सब भी चर रहे हैं, और उधर भैंस सब भी है, सबको यहीं पे चर रहे हैं। तो चलिए आप लोग को बाकी चीज़ भी दिखाई देते हैं।
दोस्तों आप लोग देख सकते हैं लोग यहाँ धान लगाए हैं। अरे रहा चूहा, आप देख सकते हैं इसे पानी पीते हैं हम लोग। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, देखिए सुबह हो चुकी है और लोग चाय निकाल रहे हैं पीने के लिए, आप देख सकते हैं। चलिए आपको दिखा देते हैं हम खुखड़ी यानी मशरूम। तो ये रहा मशरूम यानी कि देसी खुखड़ी। और बाहर भी देख लीजिए सूरज निकल चुका है, लोग यहाँ चपाटल में पानी भर रहे हैं, उधर बर्तन धो रहे हैं। और आप इधर देख सकते हैं इधर गाँव है दोस्तों, आपको ये पुल दिख रहा होगा। मेरा वाइफ बता रही है मेरे को कि यहाँ पे खुद काम की थी जब ये बन रहा था उस समय। दोस्तों आपको खेत दिख रहा होगा, चलिए तालाब भी दिखा देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं तालाब है, ऐसे दिखने में गड्ढा नहीं है इसमें, पर काफ़ी गड्ढा है अंदर। और आप देख सकते हैं गांव भी दिख रहा होगा आपको, आप उधर देख सकते हैं हल जोता जा रहा है। दोस्तों मैं रोपा भी रोपा हूँ, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो मैं आपको लिंक बटन में दे दूँगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि ये बादाम है, यहाँ पे बादाम लगा हुआ है इतने सारे, देख सकते हैं आप सब तरफ बादाम यानी कि मूंगफली वाला बादाम है, ये मूंगफली है। और वहाँ सामने देख सकते हैं वो मड़वा है, वहाँ देख रहे हैं आपको मड़वा दिख रहा है, मड़वा लगा हुआ है, इसका रोटी बनता है। दोस्तों आप इसको देख सकते हैं, जो खेत दिख रहा है आपको ये हमारा है, दिख रहा है आपको ये हमारा खेत है। आपको और भी दिखाते हैं, सब हम लोग का है वो सब सारा। और उधर भी देख सकते हैं, उधर भी हम ही लोग कोड़े हैं सबको, ये सब यहाँ पेड़ लगाया जा रहा है, मतलब लगाया जाएगा इसलिए कोड़े हैं। यहाँ पे जो गड्ढा खोदा जा रहा है मतलब हम ही लोग खोद रहे हैं, और इसके लिए सरकार पैसा दिया है कि यहाँ पेड़ लगाओ तो पैसा मिलेगा, तो सरकार दिया है उसके लिए। हम लोग खुद ही मेहनत कर रहे हैं, हम लोग खुद का ही ज़मीन है सब, जो दिख रहा है जितने आपको गड्ढे दिख रहे हैं सारा हमारा ही ज़मीन है। तो यहाँ हम लोग पेड़ लगाएंगे, सरकार हमें पैसा देंगे पेड़ लगाने के लिए, आपको दिख रहा है। अभी मैं भी खोदने जाऊँगा, यहाँ बादाम लगा हुआ है। दोस्तों एक कुआं दिख रहा है आपको इधर, कहाँ किधर मड़वा है ना, चलिए आप लोग को मड़वा भी दिखा देते हैं। वहाँ तो आपको छोटा छोटा दिख रहा था, ऐसे दूर से दिखाए थे तो आपको यहाँ सामने से भी दिखा देते हैं मड़वा। कुआं तो आपको दिख ही गया है, मेरे को लग रहा है कि आप देख चुके कुआं, आपको मड़वा दिखा देते हैं। आपको दिख रहा है मड़वा, देखिए सामने से दिखा देते हैं, देखिए ना अभी छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, जब बढ़ेगा तो मड़वा भी दिखेगा। दोस्तों आप लोगों को बड़ा सा मेंढक दिख रहा है, दिखाते हैं आपको झूम करके दिखाते, अगर दिख रहा होगा तो आप लोग को। हाँ कहाँ से है ये रहा दिखा है यहाँ पे, अगर ऐसा नहीं दिख रहा होगा तो मैं आप लोग को यहाँ मार्क कर दूँगा, आप लोगों को दिख ही रहा होगा काफ़ी बड़ा मेंढक है। अरे कुआँ भी काफ़ी बड़ा है, आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखाते हैं, जूम आउट हो जाओ दिख रहा है आपको, काफ़ी बड़ा कुआँ है। ठीक है, अरे गड्ढा भी बहुत है। तो दोस्तों चलिए आपको मिलाते हैं इस गांव के दाई से, जो अकेले मतलब जितने भी बच्चे नए आके वो अकेले दाई है, सब कुछ वही देखभाल करती है। तो चलिए एक बार एंट्री मारते हैं और उनसे आपको मिलाते हैं, आपको भी उनसे मिलके मज़ा आएगा।
देखिए दूसरे जो ब्लू वाले जो थे यही है एडाई। तो चलिए नई पैंथोलिया हाथ हो रहा है, चलिए सबका मतलब आप सब कुछ देख ही रहे होंगे। तो चलिए एडार उनका हाथ भी देख लीजिए, दोस्तों आप मीठू को देख सकते हैं पिंजरा में है, ऐसे ऐसे आज़ाद कर देना चाहिए पर ये मेरा नहीं है इसलिए नहीं किए हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं देसी मुर्गी लोग चर रहे हैं और इधर गाय भी चर रहे हैं, देख सकते हैं आप गाय लोग इधर हैं और इधर आप देख सकते हैं सारे लोग खेल रहे हैं अपना मतलब ये वॉलीबॉल खेल रहे हैं। देखते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा, शायद मैं पूरा नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि काफ़ी लंबा होगा। तो दोस्तों ऐसे तो मैं पूरा गांव दिखा चुका हूँ, तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो बाय बाय टाटा।